भोले भाले लोगों को फाइनेंस पे गाड़ी खरीदने का आश्वासन देकर फंसाने वाले आरोपी को MIDC पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश बेसरकर ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी विनोद दारकूड़े ये लोगों को भोले भाले या परिचित लोगों को बहला फुसला कर उनके नाम से गाड़ी फाइनेंस पर खरीदता था, लेकिन उन्हें वो गाड़ी नहीं देता था। जिसके बाद जब फाइनेंस वाले उन लोगों के यहाँ जाते थे तब उन्हें इस बात का पता चलता था और फिर आरोपी को ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता था। इस संदर्भ में MIDC पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत आने के पश्चात पुलिस ने इस मामले में आरोपी को ढूंढ निकाला। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश बेसर करने अधिक जानकारी साझा की। शशांक विनोद दारकुंडे है, ये थोड़ा शातिर बदमाश है। ये क्या करता है, अपने जो गरीब लोग रहते हैं, दोस्त भाई रहते हैं, उनको बैंक से फाइनेंस करा के गाड़ी लेंगे करके सब बोलता है, और वो गाड़ी लेने के बाद में वो अपने पास ही रखता है और परस्पर गाड़ी दूसरे को बेच देता है। और उसके पास फिर बैंक वाले इन लोगों के पास आ जाते हैं कि तुमने किस्तें नहीं भरा, तो इनको पता भी नहीं चलता है, बैंक में से गाड़ी उठा भी ले लिया करके, उसने बेच भी दिया करके। तो फिर ऐसे इस संदर्भ में हमारे पास कंप्लेंट आई थी, तो हमने ऑफिस रजिस्टर किया था उसके खिलाफ में। ऑफिस रजिस्टर करने के बाद में जो गाड़ी इसने जिसको बेचा उसको जेल से लाए थे, ये जेल में था पहले, जेल से लेके आए थे। उसके ताबे से एक वैगनर और उसके ताबे से और एक गाड़ी निकाली बलेनो जो चोरी हुई थी अकोला में, उसका गुना दाखिल है अकोला पुलिस को लेके जाने वाली गाड़ी को, और साथ साथ में और ऐसे लोगों को फंसा के और 3 मोटरसाइकिल दीजिए जो एक्टिवा है, और एक्टिवा भी इसके पास से टोटल हमने 5 गाड़ियाँ इनके पास से जमा किया। एक वैगनर है, एक बड़ी फोर व्हीलर, एक वैगनर है, एक बोलेनो है और 3 एक्टिवा खड़ी है। उसको अरेस्ट किया था 22 तारीख को, उसके बाद से इतना गाड़ी निकाल ली है और इसको जेल में भेज दिया। पुलिस ने आरोपी से कुल 16,46,000 का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं पुलिस द्वारा आगे की जाँच जारी है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ दिशा टवा, BCN न्यूज़ नागपुर।